एक रुकी जब भी है मसल अलग डिस्टेंस रखना बीच में एक फूल इधर देखो जी वीर प्रदीप शर्मा जी एक्स मिलिट्री पुंछ की टीम से हमारा आए हुए है जो भी लोग हमारी मेडिकल टीम की अफसर अफसाई की यहाँ पर जिसमें डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ सभी हैं। मैं स्टाफ की तरफ से और डॉक्टर साहिबान की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और जैसे उन्होंने हमें सम्मानित किया है और मैं आश्वासन देता हूँ सबको कि जो भी उनके तवक्कात थे हम तक इसके लिए उन्होंने हमें सम्मानित किया है वो हम उन पर पूरा खरा उतरेंगे और दिन रात हम अपनी मेहनत से काम और लगन से काम करेंगे और जैसे पहले से हमारा डिस्ट्रिक्ट अभी ग्रीन है, ग्रीन जोन में है, वो ग्रीन जोन में ही रहेगा और हम दिन रात मेहनत करेंगे और उसमें चाहे हमारी जान भी चली जाए। आज यहाँ पर आए हमारी हौसला अफजाई उससे और बढ़ गई। हमने इससे पहले ड्यूटियाँ दी हैं लेकिन इससे इसके बाद हम हमारा हौसला अफजाई और बढ़ गया और इससे अच्छा हम देंगे अपना जितना भी हमसे हो सके हम अपनी ड्यूटी का पूरा फर्ज निभाएंगे। ये तो हमारा एक फ़र्ज था इससे इसके बाद भी हम अपना फ़र्ज निभाएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी ने जो 7 चीज़ें बताई हैं उसमें सबसे बड़ी बात यही बताई है कि जो कोरोना वॉरियर हैं जो कोरोना से लड़ रहे हैं अपने परिवार की चिंता किए बगैर अपने घर की चिंता किए बगैर इनके घर में भी परिवार है, इनके घर में बीवी है, इस घर इनके घर में बच्चे हैं और ये सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। खासकर जो हमारे मेडिकल वाले डॉक्टर्स कंपाउंडर्स और जो भी इनका स्टाफ रहता है खासकर डॉक्टर प्रवेश अहमद खान जो मेंडर में यहाँ पर डीएमओ हैं आज हम बड़ा अच्छा काम ये कर रहे हैं। आज हम मेंडर में आए थे और स्पेशली इन्हीं प्रवेश साहब के पास आए थे और प्रवेश साहब का जो है और इनकी टीम पूरी का हम कोरोना वायरस हैं जे इनके लिए इनका स्वागत करने के लिए आए थे। आज हम बड़ा मन खुश हुआ इन सब का यहाँ पर स्वागत करके और अच्छा भी लगा क्योंकि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, सैंपल ले रही है बगैर किसी डरे हुए और हर काम आगे बढ़कर कर रही है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर प्रवेश अहमद खान जी जो हमारे बीएमओ हैं और इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।